की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लॉगिन कैसे किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं और लॉगिन करने के बाद यहां पे आप बहुत ही सारे फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र हो, बिजली बिल जमा करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, चाहे आप बैलेंस चेक करना हो, सारे सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं इस मोबाइल के जरिए और घर बैठे। तो आपको जो है लॉगिन करने से पहले आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट होगा, तभी आप यहां पे लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो आप नीचे कमेंट में आप हमें बताइए, इस पर हम ज़रूर एक वीडियो लाएँगे कि कैसे घर बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे रजिस्टर किया जाता है, और यहां से लॉगिन करने के बाद यहां पे कैसे मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे बैलेंस चेक किया जाता है, कैसे बिजली बिल जमा किया जाता है। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे सारे डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। आपको जो है प्ले स्टोर में जाना होगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है IPPB एप्स जो है इंस्टॉल करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आप आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं इसमें, आप ओपन योर अकाउंट नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप जो है अकाउंट आपका बना हुआ है, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं और पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है आपका अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा इंडियन पोस्ट का, तो उसके बाद कस्टमर आईडी आपके पासबुक में होगा। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, आपको जो भी आप अकाउंट बनाते समय डेट ऑफ बर्थ दिए थे वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर दिए थे अकाउंट बनाते समय वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे न्यू एमपिन आपको बनाना होगा पासवर्ड, तो कि आपको जब भी आप फिर से कभी आप ओपन करेंगे तो आपको एमपिन से लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए हम कोई भी चार अंक आपको पासवर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे चलिए ये हम पासवर्ड दे दिए, कोई भी चार अंक आप भी इसी तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट एमपिन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जो भी आप मोबाइल नंबर लिंक किए होंगे अपने अकाउंट के साथ उसी में एक OTP आएगा, तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो आप एम पिन यहाँ पे सेट किए होंगे वही आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एम पिन सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं एम पिन। यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा देखिए जितना भी आपका बैलेंस होगा, अकाउंट बैलेंस, सेविंग अकाउंट बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 100 रुपया है। आप इसी तरीके से आप भी अपना बैलेंस देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं अकाउंट होल्डर का नाम जो भी होगा ऊपर में यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू स्टेटमेंट, तो आपको यहां पे व्यू स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको पासबुक देखना है तो यहां पे व्यू लेटेस्ट 10 ट्रांजैक्शन यहां पे आपको दिखाया जाएगा, और यहां पे व्यू अवेलेबल बैलेंस पे क्लिक करके आप यहां पे बैलेंस सकते हैं। उसके बाद यहां पे चलिए हम व्यू लेटेस्ट 10 ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम अकाउंट खुलवाए थे तो यहाँ पर 100 रुपया ही हम जमा किए। तो यहाँ पर आप जितना भी जमा करेंगे सभी आपका लेटेस्ट यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ आपको बताते हैं इससे जो है मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है सेंड मनी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे चलिए हम फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंड न्यू बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद यहाँ इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी का नाम, जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद उसका जो है
जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र करें उसका अकाउंट नंबर, उसके बाद जो अकाउंट नंबर आप दिए हैं ऊपर में वही आपको कन्फर्म कर लेना है। अकाउंट नंबर यहाँ देने के बाद उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड आपको दे देना है। उसके बाद अगर आपका IFSC कोड नहीं भी मालूम है तो यहाँ पर सर्च IFSC कोड पर आप क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, जो है सही से आप भर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जितना भी कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, आप जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने के लिए 5 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद रिमार्क पर आप कुछ भी दे सकते हैं 5 रुपीज़, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 5, 10 जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं इमीडिएटली पेमेंट, तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बोला जाएगा कन्फर्म पे क्लिक करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। इंटर OTP, जो भी आप अकाउंट खुलाते समय नंबर दिए थे उसी में एक OTP आएगा, वही OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट जो सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं सेव रिसीव इन्फॉर्मेशन हैज बेनिफिशियरी, तो यहां पे एस पे क्लिक कर देंगे तो मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुल, तो आप यहां पे हैं कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर अमाउंट जो है 5 रुपया भेजा गया है इस अकाउंट में। तो गो टू होम पे आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से जो है आप पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें बताइए, हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।